नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिकोसिल के घरेलू उपचार के बारे में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि वेरिकोसिल की दिक्कत आखिर है क्या। वेरिकोसिल की जो दिक्कत है वो है मेल टेस्टिकल्स की प्रॉब्लम, जिसमें होता क्या है, ब्लड का जो एक फ्लो होता है, ब्लड का एक जो प्रवाह होता है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से टेस्टिकल्स में इन्फ्लेमेशन शुरू होती है, उसमें सूजन आने लग जाती है और व्यक्ति को चलने फिरने में समस्या खड़ी हो जाती है। और सबसे बड़ी जो इसकी दिक्कत देखी जाती है वो होती है आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम का होना, यानी कि आपका पेट दुरुस्त नहीं होता, आपका डाइजेशन बेहतर नहीं होता, तो आपको ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। अब बात आ जाती है कि वेरिकोसिल की जब समस्या हो गई है तो इसके घरेलू उपचार भी कुछ होंगे, तो चलिए जान लेते हैं कि क्या हैं वेरिकोसिल के कुछ घरेलू उपचार जिनके द्वारा आप अपनी वेरिकोसिल की बीमारी में राहत पा सकते हैं, खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है वो होती है आपकी डाइट की, आप किस तरह का फूड ले रहे हैं, आप किस तरह की चीज़ों को इनटेक कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि आप अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, आप अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके पेट के लिए, आपकी दिक्कतों के लिए जिम्मेदार होती है। तो आपको पहले तो अच्छी डाइट को इनटेक करना पड़ेगा, आपको फाइबर रिच फूड लेना पड़ेगा, आप मोटे अनाज का सेवन कीजिए, आप दलिया का सेवन कीजिए, आप ओट्स का सेवन कीजिए, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। साथ ही आप सिट्रस फ्रूट का सेवन कर सकते हैं, इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है और आपके मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत बेहतर होता है। दूसरी अगर चीज़ों की बात करें तो आप कर सकते हैं लहसुन का, प्याज का और हरी मिर्च का सेवन। इनमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होती हैं खून को पतला करने की, क्योंकि वेरिकोसिल में जो समस्या बनती है वो होती है ब्लड की, ब्लड में ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से ये दिक्कत बनने लग जाती है। तो अगर आपका ब्लड पतला होगा तो उसमें ये दिक्कतें शायद कम ही देखने को मिलें, तो आप इन तीनों चीज़ों को आराम से इनटेक कर सकते हैं। एक और चीज़ जो जनरली देखी जाती है वो होती है कि लोगों को मसालेदार स्पाइसी खाना बेहद पसंद होता है, वो उसको कम नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको एक काम इसमें करना है, आपको इसमें दही ऐड ऑन करना है। जब भी आप स्पाइसी फूड खाएं, आप कोई भी मसालेदार खाना खाएं, तो उसमें दही को ऐड ऑन कर लें। इससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपकी जो मसालेदार चीज़ें हैं, जो स्पाइसी फूड है, उससे उसकी तासीर कम हो जाएगी, फिर आपको उसमें दिक्कत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। अगर अन्य उपाय की बात करें तो वेरिकोसिल में जो समस्या देखने को मिलती है वो होती है इन्फ्लेमेशन की, सूजन की। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप ले सकते हैं अदरक वाली चाय। इसमें आपको दूध नहीं मिलाना है, इसे आप केवल अदरक वाली चाय के रूप में ही लेंगे। साथ ही आप ग्रीन टी का भी सेवन कर सकते हैं, साथ ही आप हल्दी वाले दूध का सेवन भी कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो इस बात का आप ख्याल रखें कि हल्दी बहुत कम मात्रा में डालें, जिससे आपके शरीर पर ये नेगेटिव इम्पैक्ट ना डालें और आपकी इन्फ्लेमेशन को भी कम कर दे। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। आप कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर लेना है, 3-4 काली मिर्च लेनी है, उसको मिक्स कर लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी मिला लेना है। जब ये एक पेस्ट के रूप में तैयार हो जाए तो आपको ये टेस्टिकल्स पर रात को लगाकर सो जाना है और इस प्रोसेस को आपको करीब 7 से 10 दिन तक करना है, जिसके बाद आप देखेंगे आपकी जो वेरिकोसिल की समस्या है, जो आपकी टेस्टिकल्स की प्रॉब्लम है, उसमें आपको काफ़ी हद तक ये रिलैक्स कर देगी, राहत पहुँचा देगी। इसी तरह से आप कर सकते हैं टेसू के फूलों का यूज़। टेसू के फूल आप मार्केट से आराम से आपको मिल जाते हैं, आप टेसू के फूल लेकर आएं, उसे गर्म पानी में डाल लें और गर्म पानी में उसे निकालने के बाद जब फूल थोड़े से गुनगुने हो जाएं तो किसी कपड़े के सहारे आप टेस्टिकल्स पर रात को उसे बांधकर सो जाएं और सुबह उसको खोल दें। इस प्रोसेस को भी आप सेम उसी तरह से कीजिए, 7 से 10 दिन तक आप इस प्रोसेस को करें और आपके टेस्टिकल्स की जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, वो काफी हद तक कम हो जाएगी, आपको रिलीफ दे देगी। साथ ही आप कर सकते हैं सिट्स बाथ का यूज। इसमें आपको क्या करना है, एक बड़ा बर्तन लेना है, एक टब लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा नमक डाल लेना है, थोड़ा सा गुनगुना पानी करना है और उसमें बैठ जाना है। इससे भी आपकी इन्फ्लेमेशन काफी हद तक आपके लिए कम हो जाती है, आपको काफ़ी हद तक रिलैक्स कर देती है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको जो टिप्स बताई हैं, आज ऐसे जो अचूक उपाय बताए हैं, अगर आप इसे करते हैं तो आप निश्चित तौर पर वेरिकोसिल की बीमारी से जो प्रभावित हैं वो काफ़ी हद तक आप अपनी उस बीमारी को कम कर सकते हैं, उसमें काफ़ी आराम पा सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो अगर आपको लगता है कि आप वेरिकोसिल की बीमारी से प्रभावित हैं तो इन उपाय को जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपको वेरिकोसिल के रिगार्डिंग कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को, प्रश्नों को भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।